हेलो फ्रेंड्स, रूबस किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और आप इसको, अगर आपके पास ग्रेप्स हैं तो मैं यहाँ पर, जो मेरे पास ये ग्रेप्स रखे हुए हैं, अंगूर जो ग्रीन वाले, आप इसकी ब्लैक से भी, काले वाले अंगूर से भी बना सकते हैं। तो ग्रीन अंगूर से जो हरे वाले अंगूर आते हैं, तो अभी इस टाइम में इनका सीज़न भी चल रहा है। जनवरी से ये स्टार्ट होते हैं, फरवरी मार्च तक ये आपको मिल जाते हैं। और अभी इस टाइम में फ्रेश भी आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं और खट्टा मीठा टेस्ट है इनका, काफ़ी मीठे अंगूर भी हैं। तो आज मैं इसी से आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मैं किस तरह से इसको बनाती हूँ, कोई भी हमारे घर पे मेहमान आते हैं या हम उनके लिए कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए ये रेसिपी है। साथ ही साथ आप इसको किसी भी फेस्टिवल में है या आप इसको कोई भी आपके फास्ट हैं, व्रत में भी आप इसको, फलाहारी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस उसके साथ इतना करना है आपको कि अगर आप फलाहारी के साथ बना रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक यूज़ करना है, और अगर आप सिंपल वे में बना रहे हैं तो उसमें आप या ब्लैक साल्ट भी ऐड कर सकते हैं और या फिर सिंपल वाइट साल्ट भी। तो चलिए, देर नहीं करूँगी, इस रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए जैगरी लिया है, जैगरी इसमें मेन इन्ग्रीडियंट्स है। साथ ही साथ मैंने इसमें काजू लिए हैं 8 से 10, और ये देखिए हींग है यहाँ पे 1 पिंच के करीब। यहाँ पे मैंने मस्क मेलन सीड्स लिया है, और ये है काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो ये मैंने अंगूर लिए हैं। अब अंगूर को मैंने क्या किया, अंगूर को मैंने इस तरह से, जो ऊपर का टॉप एरिया है होता है, तो मैंने उसको कट करके, जैसे ये होते हैं, ये डंडी में जब हमारे लगे होते हैं अंगूर, तो थोड़ा सा ये थोड़ी यहाँ पे काला होता है, तो उसके कारण आपकी जो चटनी होती है, जो आप सॉस बना रहे हैं, वो खराबी हो सकती है। तो आपको इस तरह से अंगूर सारे कट करके रख लेने हैं। तो इनकी क्वांटिटी अगर देखी जाए तो ये है 250 ग्राम्स के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी है। यहाँ पे मैंने सीड्स लिए हैं, क्यूमिन सीड्स, और ये मेरे पास ग्रीन शुगर है हरे रंग की, और ये फ्लावर से बनाई जाती है जो फ्लेवर होती है, तो काफ़ी अच्छे इसको है ना, ये चीनी है और ऑर्गेनिक शुगर होती है ये, तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आती है। और ये फ्लेवर वाली चीनी होती है जिसमें काफ़ी अच्छी स्मेल आती है, और स्मेल के साथ साथ यानी कि इसका टेस्ट होता है। तो ये मेरे पास जो है ये चीनी, ये मेरी कीवी से रिलेटेड है, ये कीवी से बनाई गई है। तो कीवी से बनाने वाली ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कीवी का ही फ्लेवर आता है। तो चलिए, मैं इसको अब मैं ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ, देर नहीं करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, पैन मेरा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम 1 पिंच हींग इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही साथ ये जीरा, और इसको हम अच्छे से चलाएंगे ताकि ये सॉटे हो जाए, मतलब भुन जाए। तो इसको भुनने में लगभग 1 मिनट लग जाएगा क्योंकि हम इसे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, और हम इसमें कोई भी ऑयल या घी का यूज़ नहीं करेंगे। और ये मैं प्रिजर्वेटिव सॉस बना रही हूँ ग्रेप्स वाली, तो आप इसको साल भर भी रखकर इसको खा सकते हैं, लेकिन ये साल भर नहीं चलती है क्योंकि जल्दी ही समय पे ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे बड़े इसको काफ़ी पसंद करते हैं। मेरे यहाँ तो ये दही बड़े में भी यूज़ होती है, और भी चीज़ों में, जैसे पराठा होता है या पूड़ी होता है, जब मन होता है उनका, तो वो लोग पापड़ी चाट के साथ भी इसे खाना पसंद करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरी जीरा तो भून चुका है। अब जो हमारे पास काजू हैं, उनको हम हाथ से इस तरह से तोड़कर इसमें डाल देंगे, और ज़रा सा ही हम इसमें सॉटे करेंगे, ज़्यादा नहीं हमें इसको करना है, लेकिन हम स्टर करते रहेंगे बार बार, इसे रोकना नहीं है, चलाते रहना है। और इसी में हम डाल देंगे मस्क मेलन सीड्स, जो मैंने लगभग 2 स्पून के करीब मैंने लिए हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे ही हमारी मस्क मेलन सीड्स हो जाते हैं, देखिए स्प्रिंकल्स ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं, उड़ रहे हैं ये। तो यहाँ पर ये हो चुके हैं, निकलेंगे भी 1-2 बाहर। अब यहाँ पर हम इस स्टेज में इसमें अंगूर डाल देंगे, और अंगूर को हम इसमें लगभग 1 मिनट के लिए पकने देंगे। इसमें अभी हमें पानी यूज नहीं करना है, इसी तरह से हम इसको सूखा चलाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास चीनी है, तो हम इसमें लगभग 1/2 कटोरी के करीब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, यानी कि ये 200 ग्राम्स है। तो आप 200 ग्राम्स में 1/2 कटोरी आप इसको मानकर चलिए, यानी कि 100 ग्राम की चीनी इसमें ऐड होगी, और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे लगातार। और आपके पास अगर ये चीनी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको किसी यानी कि वाइट जो चीनी आती है उसके साथ भी, या ब्राउन शुगर के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, और मेरे पास ब्राउन शुगर भी है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, और उसके बाद हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे।
तो पानी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ चौथा ही ग्लास इसमें मैंने पानी डाला है, क्योंकि तो चीनी मेल्ट होने के लिए, और जो हमारे ग्रेप्स हैं उसको भी अच्छा सा, मतलब जो हमारे जो ग्रेप्स होंगे अंगूर वो भी मेल्ट इसमें गलेंगे, तो इसलिए हम इसमें हम चीनी ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से उबलने देंगे। और यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे गुड़, तो ये सारे जो हमारे पास गुड़ है इनको हम इसमें तोड़कर डाल देंगे, क्योंकि गुड़ ये कच्चा है तो ये जल्दी से, ये बर्फी है, इसमें काफ़ी सारी ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें पिस्ता है, बादाम है और अखरोट भी है, तो ये अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसी स्टेज में हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और इसमें हम पानी अब ऐड नहीं करेंगे, इतने ही चौथाई ग्लास में ही हमारी ये जो हमारी सॉस है वो बन के अच्छे से तैयार हो जाएगी अंगूर वाली चटनी। तो लगभग इसको लगेंगे 10 मिनट पूरे, तो 10 मिनट बाद मैं फिर मिलूंगी आपको, दिखाऊंगी कि ये मेरी सॉस किस तरह से बनके रेडी हुई है, और उसके बाद ही हम इसमें साल्ट ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डालूंगी सेंधा नमक, तो आप देख सकते हैं अभी इसमें 5 मिनट्स ही हुए हैं, 5 मिनट, तो ये देखिए कितने हद तक ये हमारे अंगूर भी गल कर रेडी हो चुके हैं। तो इसमें अभी 10 मिनट और लग जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा पानी है, लिक्विड है, तो जब तक ये गाढ़ी ग्रेवी की तरह नहीं हो जाएगा तब तक ये हमारी जो सॉस है वो बनके रेडी नहीं होगी। थिक हो जाए, ठंडा होने के बाद तो ये थिक हो जाती है, लेकिन अभी जो हमारे अंगूर हैं उसमें जूसेस हैं, और जब ये थोड़ा सा पानी हम बाहर से जो पानी डाले हुए हैं तो वो भी थोड़ा एब्जॉर्ब, उसके कारण ये अंगूर हमारे फूल जाते हैं, लेकिन अंदर तक ये पल्पी होते हैं। अगर आप इसी तरह से अभी इसको गर्म गर्म खाना चाहेंगे तो आप काफ़ी एंजॉय करेंगे, क्योंकि काफ़ी टेस्टी लगते हैं, खट्टे मीठे। तो अभी लगभग इसको 10 मिनट और लगेंगे, और जो मैंने जैगरी इसमें ऐड किया था गुड़, वो भी देखिए मेल्ट हो गया, कुछ भी इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो इसमें ड्राई फ्रूट्स थे, जैसे ये यहाँ पे देखिए बादाम थे और किशमिश, ये देखिए ये पिस्ता था, तो ये भी सब बाहर निकल आए हैं। तो 10 मिनट बाद ये तैयार हो जाएगी, और देख सकते हैं कि कलर भी कितना अच्छा आया हुआ है, आपको देखते ही खाने का मन कर रहा होगा कि कोई भी चाट मिल जाए, पापड़ी चाट, तो बस लुत्फ़ उठाया जाए इसका। अब यहाँ इस स्टेज में हम यहाँ पे सेंधा नमक डाल दूंगी, तो लगभग मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब मैंने सेंधा नमक डाला है, और यहाँ पर सेंधा नमक मैंने इसलिए डाला क्योंकि अंगूर भी जल्दी से और गल जाए, और दूसरा मैंने सेंधा नमक इसलिए डाला है क्योंकि मैं ये फलाहारी में भी यूज़ कर लेती हूँ ये वाली चटनी, तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद है, मेरी फैमिली में भी सबको पसंद है, तो अक्सर करिए जब भी अंगूर होते हैं तो बन जाती है, और मेहमान के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। और एक तरह देखा जाए तो ये शाही चटनी हो गई, खट्टी मीठी सॉस, जो आपको भी और सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब देखिए मेरी मीठी ग्रेप्स वाली चटनी तो सॉस बनके रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें ठंडा होने के बाद जो हमारी ये प्रिजर्वेटिव जो सॉस है, हम इसको लंबे समय चलाने के लिए इसमें हम अमचूर की जगह डालेंगे साइट्रिक एसिड, ये होता है नींबू का सत, यानी कि नींबू का नींबू से बनाया जाता है लेमन से, तो इसे साइट्रिक एसिड बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे लगभग ये आधा ही चम्मच इसमें डाला है, क्योंकि बहुत छोटी चम्मच थी ये, क्योंकि ज़्यादा खट्टा होता है और अंगूर भी हमारे इसमें खट्टे मीठे हैं, तो हमें ज़्यादा इसको खट्टा नहीं बनाना है, इससे हमारी क्या होगी जो चीनी हमने इसमें डाली है जैगरी, तो इसमें इसके जो हमारी चीनी का सख्त पार्टिकल्स बन जाते हैं, थोड़ी हार्ड हो जाती है, वो भी नहीं होगी। दूसरा, ये हमारी जो सॉस है लंबे समय तक चलेगी। तो मेरी सॉस तो ये अंगूर वाली सॉस तो बनके तैयार हो चुकी है, देखिए आपको कैसी लग रही है, ये इतनी अमेजिंग और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे इसके लिए भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, अरे भाई जब मैं इसमें पापड़ी चाट बनाऊंगी तो उसमें यूज़ करूँगी, और अभी शिवरात्रि भी आने वाली है तो उसके लिए भी मैंने ये बनाई हुई है स्पेशल, क्योंकि मेरी जो पहले वाली थी वो ख़त्म हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो अंगूर भी आ ही रहे हैं तो नई मैं बना के रख लेती हूँ, ताकि काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। और अभी तो मैं ये इसको शिवरात्रि तक ही बनाऊंगी, उसके बाद मैं फिर दोबारा से इसको और सारी बनाऊंगी, जिससे मैं इसको 5 से 6 महीने तक रख सकूं, क्योंकि 5 से 6 महीने बाद तो अंगूर दोबारा से आ जाते हैं, तो हम इसमें साल भर का इंतज़ार क्यों करें, है कि नहीं मेरी बात में ट्विस्ट। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ ऐसी ही रेसिपी में, और
आप इसको ठंडा होने के बाद इसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। और अगर आपको ये मेरी अंगूर वाली ये रेसिपी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और ऐसी ही रेसिपी में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।